नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति की न्यू जनरेशन हैचबैक सिलेरियो के बारे में। जैसे कि कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं, उससे कंफर्म है जल्दी मारुति सुजुकी नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो को लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है। न्यू जनरेशन मारुति सिलेरियो को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। नई मारुति सिलेरियो का लुक मौजूदा मॉडल से अलग होगा और कार कई लेटेस्ट फीचर्स से लैस होगी, तो उसी के बारे में आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, मारुति सिलेरियो का फर्स्ट जनरेशन मॉडल साल 2014 में लॉन्च हुआ था। अब कंपनी इसका सेकेंड जनरेशन मॉडल ला रही है। नई सिलेरियो मारुति वैगनार वाले हाईटेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। नई सिलेरियो मौजूदा मॉडल से बड़ी होगी। कार का व्हील बेस भी ज़्यादा होगा। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई सिलेरियो के अंदर स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा। मारुति की इस नई कार को एंट्री लेवल क्रॉसओवर के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है। ये रेनो की क्विड और टाटा मोटर्स की आने वाली माइक्रो एसयूवी ट्यूमेरो जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। नई सिलेरियो में कुछ ऐसे हाई एंड फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स, एलईडी इंसर्ट्स के साथ स्टाइलिश टेल लैंप, रेयर वाइपर, इंटीग्रेटेड ब्लिंकर्स के साथ विंग मिरर्स और नए स्टाइलिश अलॉय व्हील्स शामिल हैं। एक्सटीरियर की तरह ही न्यू जनरेशन सिलेरियो का केबिन लेआउट भी नया होगा। केबिन में डुअल टोन पैटर्न देखने को मिलेगा और सामने की तरफ एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ सुजुकी का नया स्मार्ट प्ले स्टूडियो इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, पावर्ड ओआरवीएम्स और रिवर्स कैमरा जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। सेफ्टी में सिक्योरिटी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ईबीडी के साथ एबीएस, स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करें इसके इंजन और पावर की, तो मारुति सिलेरियो नेक्स्ट जनरेशन में आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक 1.0 लीटर और एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मारुति इग्निस और स्विफ्ट जैसी कारों में मिलता है। नई सिलेरियो में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। नई मारुति सिलेरियो नेक्स्ट जनरेशन की मार्केट में सीधी टक्कर टाटा HPX और Hyundai Sentra से होगी। इसके अलावा ये मारुति की वैगनार को भी टक्कर देगी। ज्यादा पावरफुल इंजन और ज्यादा कैबिन स्पेस के चलते नई सिलेरियो Hyundai की ग्रैंड i10 से भी मुकाबला कर सकती है। दोस्तों, फाइनली बात करें इसके प्राइस और लॉन्च डेट की, तो मारुति सिलेरियो नेक्स्ट जनरेशन का प्राइस एक्सपेक्टेड एक्सशोरूम प्राइस इन दिल्ली 5.5 लाख रुपए से लेके 7 लाख रुपए तक जाएगा और एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च ऑन दिस दिवाली। तो दोस्तों, मारुति की नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो आपको कैसी लगी? क्या आप हैचबैक में मारुति सिलेरियो को बाय करने की सोच रहे हैं? तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना। मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।